हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। आ गई हूँ आप लोग के सामने कुछ लाइंस लेकर के कि पुरुष प्रेम खोजता है और स्त्री प्रेम में डूबती है। तो इसलिए खोजना महत्वपूर्ण नहीं है, डूबना महत्वपूर्ण है। तो आज का दिन आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ मंगलकारी हो। चलिए आगे मिलते हैं। तो दोस्तों आ गई किचन में और आज ऑमलेट इधर बन रहा है। देखिए लाइट नहीं जली है। तो आज भास्कर जी ऑमलेट बना रहे हैं शौक से, और बनाते अच्छा है, ये बात नहीं है। तो मैं सब काम करके गई थी किचन में से, सब्जी बना ली थी, साग और आलू, बैंगन आलू की रोटी बना के रख के गई थी, और चावल वगैरह धोकर रख करके सब चीज गए थे। सबसे अच्छा बटर में होता, बटर रखा था, घी से भी ज़्यादा अच्छा बटर लगता है इसमें। तो लास्ट टचिंग तो हम ही को देना पड़ रहा है। उधर चाय चढ़ी है और बस हो गया है। इधर से इधर साइड में यही ना बोले हैं कि यहाँ हमारे ना गैस का लौ ना सही से जाता ही नहीं है सब तरफ। तो इसको थोड़ा थपथपा देंगे ना तो ये फूला फूला हो जाता है एकदम से। हो गया है, बंद करते हैं गैस, करते हैं इसका बंटवारा। इसको निकाल लेते हैं थाली में। इससे घोटे थे क्या? है ना, इससे घोटे नहीं थे ना? नहीं। तो थोड़ी थोड़ी सी सब्जी भी चख लिया जाता है। लोहे की कढ़िया बनाई हो ना तो फुल आयरन है।
चलो नहीं चल रहा, ऑन है ये, बंद नहीं कर दिया। चलो इंडक्शन। तो दोस्तों चल रही हूँ गैलरी में इधर से घुमा ही नहीं। अरे नमस्ते दोस्तों, सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। तो मैंने पहले ही आपको अपना नाश्ता दिखला दिया है, रोटी है और ये मेरा पालक और आलू और बैंगन की सब्जी है जो लोहे की कढ़ियाँ बनी है, तो थोड़ा रंग अपना दिखला रही है, और ये ऑमलेट। तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, जो लोग भी मेरे ब्लॉग पर आए हैं न्यू वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बेल आइकन पर क्लिक करने पर ऑल का ऑप्शन आता है, वो भी क्लिक कर लें तो सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आराम से उपलब्ध हो जाएंगे। और मेरा वीडियो प्लीज़ फुल वॉच करें। तो इनसे भी मिल लीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग सब अच्छे से होंगे। जल्दीबाजी में हमने में नमक डालना भूल, ऊपर से भी डाले हैं गुड़ में से नमक। ठीक है, आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, पसंद कीजिए, आप लोग भी खाइए और बताइए क्या स्वाद है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आगे खाना में क्या बना है, यही साग बना है, चावल बना रही हूँ बस, और कुछ नहीं। तो आज के लिए, अभी के लिए, और बताना चाहती हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ जिसकी तैयारी कर रही हूँ, तो वो सब भी आपको बाद में पता लगेगा, आगे के ब्लॉग में देखते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। तो बाय बाय, जय श्री राम, जय माँ दुर्गा।